लड़का के साथ हम भागे ना, तो लड़का सब कुछ मेरे साथ करके फिर एकदम शादी तुमसे नहीं करेंगे, अच्छा तुम्हारे चलो घर पे दे आते हैं। तो घर पे आए समाज लोग को पता चल गया था हम दोनों भाग गए, तो कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठा था, हम गए ना तो समाज, ये लड़का ये नहीं कि हम जब किए हैं तो कहीं इसको उतार दे, नहीं मेरे घर पे गया, गाड़ी में लगा घर में जाकर बैठ गया बहुत हिम्मत के साथ। मतलब समाज लोग को पता ही था, वो लोग आया इनको पूछा समाज लोग की शादी करिए ना, अब जब लड़की को साथ लेकर गए, हम जब उनके साथ गए तो समाज को कितना भी बोलेंगे हम इसके साथ कुछ नहीं किए, समाज लोग को नहीं मानेगा। तो समाज लोग बोला आप शादी करेगा, तो बोला कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, मेरा दीदी कुमार है, उसके बाद 1 साल के बाद करेंगे। तो समाज लोग बोला कि 1 साल के बाद ही इसको ले जाते घुमाने। होटल में कैसे ले गया आपको? बोला हम तुमसे शादी करेंगे बाहर चलेंगे, फिर सब चलो। तो हम गए ना तो बाहर नहीं होटल में ले गए, मझौरा सोहा होटल। तो होटल आपको पता नहीं चला कि वो होटल है? होटल में कैसे चलेंगे? नहीं गए थे कहीं, कहीं नहीं गए थे, नहीं जाते थे कहीं। होटल है ये नहीं समझ पाई आप? हम कभी घर से नहीं कहीं नहीं निकले थे, पहले बार फर्स्ट टाइम गए थे। अच्छा कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? हम नहीं पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी नहीं है। शादी समारोह में गया था, वहीं पर मुलाकात हुआ, लड़का पीछे करते करते मेरे घर तक आ गया। घर तक आने के बाद ये टॉर्चर करने लगा, बहुत परेशान करने लगा, मेरे साथ भागो मेरे साथ सब कुछ होने, तुम्हारा भाई कुमार टॉर्चर बहुत करने लगा। अच्छा। तो हम तो गरीब, प्यार मोहब्बत में फंसाया या फिर आपको डराने धमकाने लगा? डायरेक्ट डराने लगा, डराने लगा। हाँ। प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी? अब तो नहीं लगता कोई भी बात ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी मौजूद हूँ मैं उसी मंदिर में जहाँ का एक वीडियो काफी जोर शोर से वायरल हो रहा है। एक मंदिर में एक लड़की रहती है 8 महीने से, और वो इस मंदिर में इसलिए रहती है कि इसका पति एक दिन आएगा और इसको अपने घर लेकर के जाएगा। इसी का इंतजार में ये लड़की जो है कृष्ण जी का मंदिर में, राधा कृष्ण का मंदिर है उसी में ये 8 महीनों से रहती है। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। इस मंदिर में क्यों रहती हैं आप? लड़का के इंतजार। कौन लड़का? मुझे शादी हुआ मेरा पति। शादी कब हुआ था आपका? तो जनवरी 2023। 2 जनवरी 2023 को शादी कैसे हुई आपकी? कब शादी हुई थी आपकी? 2 जनवरी 2023 को। हाँ। अच्छा लव मैरिज हुई ना आपकी? हाँ। कैसे प्रेम प्रसंग में कैसे पड़ गए आप? हम ननिहाल में रहते थे सब दिन, ये लड़का शादी समारोह में गया था, वहीं पर मुलाकात हुआ, लड़का पीछे करते करते मेरे घर तक आ गया। घर तक आने के बाद ये टॉर्चर करने लगा, बहुत परेशान करने लगा, मेरे साथ भागो मेरे साथ सब कुछ होने, तुम्हारा भाई कुमार टॉर्चर बहुत करने लगा। तो हम तो गरीब, प्यार मोहब्बत में फंसाया या फिर आपको डराने धमकाने लगा? डायरेक्ट डराने लगा, डराने लगा। हाँ। प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी? अब तो नहीं लगता कोई भी बात ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में कोई बात नहीं थी, यानी कि आपको डरा धमका करके आपके साथ जो है रिलेशन बनाया। हाँ। होटल में कैसे ले गया आपको? बोला हम तुमसे शादी करेंगे बाहर चलेंगे, फिर सब चलो। तो हम गए ना तो बाहर नहीं होटल में ले गया, मझौरा सोहा होटल। तो होटल आपको पता नहीं चला कि वो होटल है? होटल में कैसे चलेंगे? नहीं गए थे कहीं, कहीं नहीं गए थे कहीं। होटल है ये नहीं समझ पाई आप? हम कभी घर से नहीं कहीं नहीं निकले थे, पहले बार फर्स्ट टाइम गए थे। अच्छा कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? हम नहीं पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा कैसे फिर उस लड़के से शादी कैसे हो गया, किसने करवाया? समाज लड़का के साथ हम भागे ना, तो लड़का सब कुछ मेरे साथ करके फिर एकदम शादी तुमसे नहीं करेंगे। अच्छा तुम्हारे चलो घर पे दे आते हैं, तो घर पे आए समाज लोग को पता चल गया था हम दोनों भागे हैं, तो कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठा था, हम गए ना तो समाज, ये लड़का ये नहीं कि हम जब किए हैं तो कहीं इसको उतार दे, नहीं मेरे घर पे गया, गाड़ी में लगा घर में जाकर बैठ गया बहुत हिम्मत के साथ। समाज लोग को पता ही था, वो लोग आया इनको पूछा समाज लोग की शादी करिए ना, अब जब लड़की को साथ लेकर गए हम जब उनके साथ गए, तो समाज को कितना भी बोलेंगे हम इसके साथ कुछ नहीं किए, समाज लोग को नहीं मानेगा। तो समाज लोग बोला आप शादी करेगा, तो बोला कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, मेरा दीदी कुमार है, उसके बाद 1 साल के बाद करेंगे। तो समाज लोग बोला कि 1 साल के बाद ही इसको ले जाते घुमाने के लिए, अभी क्यों लेकर गए? सही बात है। तो फिर महमूद आलम मेरे वहाँ का मुखिया है, वो आया इनसे पूछा, तो बोला हम शादी करेंगे, फिर हमसे भी पूछा गया, हम भी बोला हाँ शादी करेंगे। तो यहाँ से भी कुछ आदमी गया था, उन सबका भी मर्जी से शादी हुआ, वो से फिर आ गया, और मेरे गांव का जितना समाज है उनका मर्जी से शादी हुआ, लड़का लड़की हम दोनों का मर्जी से शादी हुआ। फिर 11 दिन लड़का रहा, बोला पढ़ाई करने जाते हैं, भाग उसका भागने का मन था, तो फिर वो गया भाग गया, 11 दिन मेरे साथ रहकर भी भागा लड़का।
हम उसका फिर एक साल से इंतजार किए, वो नहीं आया तो फिर हम मतलब यहाँ के गांव के कुछ लोग, उसमें मुखिया सरपंच भी थे यहाँ का, हम उस सबको नहीं जानते, मगर इस गांव के बहुत आदमी सब। अच्छा, इस गांव के कुछ लोग और आपके गांव के कुछ लोग, मेरे गांव का पूरे ग्रामीण था, ग्रामीण मिलकर के शादी करवा दिए। उसके बाद लड़का फरार हो गया। अच्छा, आप आज यहाँ पे अपने ससुराल में हैं और यहाँ घर जाने का प्रयास नहीं किया लड़का का? चार बार गए हैं। तो क्या हुआ? मतलब गाली गलौज करना था, मारने पीट लेता है, बोलता लड़की पागल है और थाना को बुलवा कर उठवा देता है। थाना को बुलवा कर आपको उठवा देते हैं? 112 को एक बार हमें उठा दिया, लड़की पागल है उसको यहाँ से ले जाइए पकड़ के। तो हमें मतलब हर रात बेहरा थाना में रखा था। आपको रखा था थाना में? हाँ। अच्छा, आपने केस वगैरह नहीं किया, एफआईआर नहीं किया? तो फिर क्या हुआ? मतलब थाना पर बोला है सर क्या, मतलब आप केस करिए, आपका हम कार्रवाई करेंगे, तो हम केस कर दिए। तो कुछ कार्रवाई हुई? अभी तो हमें कुछ पता नहीं है। वो मतलब फोन करके हम ही बोला जाता है, मतलब मैडम है वहाँ के, फोन करता है, नंबर भी है। हाँ। कि आप पहले गवाह दीजिए, आपका केस इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कौन कैसा गवाह दीजिए? मतलब यही शादी जो की वो गवाह देते, हम उसको बोले। आपके पास शादी का कोई प्रमाण है कि आप दोनों की शादी हुई है? है, हम उसको बोले हैं कि जब वीडियो आपके साथ है, सबसे बड़ा तो वही गवाह, आदमी को तो मुंह झूठ ही बोल सकता। हाँ। है, बल्कि वीडियो कहीं झूठ नहीं बोल। आप वीडियो दे चुकी हैं? हम वीडियो उसको दिए हैं। मैं बता दूं, इन्होंने पहले भी बताया और थाना का नंबर हमारे पास है, इन्होंने ही दिया है। मैं एक बार थाना से बात करने का प्रयास करूंगी। थाना का नाम क्या है? बेहरा थाना। धमकी उमकी भी दे रही थी क्या? मतलब गवाह लाइए, उसके बाद आपका केस आगे बढ़ाएं। The person you are call. कॉल बार बार डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। The person